हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में असं कुछ इंपॉर्टेंट होर क्वेश्चन करांगे एसएसटी के, जेड़े कि सीटेट ते पीएसटेट के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इन्हों कर लियो। यह एसएसटी के क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आप शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सरकार किस दे प्रति जवाबदेही होंगी है? जी लोकतंत्र की सरकार है जी, वह किस दे प्रति जवाबदेही होंगी है? तो ए ऑप्शन है संसद के प्रति, बी ऑप्शन है जनता के प्रति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, डी ऑप्शन है मंत्री परिषद के प्रति। तो लोकतंत्र की सरकार जी है जी, वह किस दे प्रति जवाबदेही होंगी है? तो राइट आंसर है जी बी ऑप्शन, जनता के प्रति। ठीक है जी, लोकतंत्र की सरकार को जनता को जवाब देना होंगे है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है जी? ए ऑप्शन है प्रतख, बी ऑप्शन है अप्रतख, सी ऑप्शन है दोवें ही, डी ऑप्शन है इन्हों कोई नहीं। तो किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है जी भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अप्रतख लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नैक्सट क्वेश्चन है, विश्व में कौन शासन प्रणाली को सब तो वधिया मनिया जाता है? जे आप विश्व की गल करिए तो कौन शासन प्रणाली है जिसे सब तो वधिया मनिया जाता है? ए ऑप्शन है सैनिक तंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है लोकतंत्र, डी ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। तो कौन शासन प्रणाली है जी सब तो वधिया? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लोकतंत्र। ठीक है जी, लोकतंत्र नूं दुनिया का सब तो वधिया शासन प्रणाली इस नूं मनिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है, अज दुनिया विच लगभग किन्ने देशों विच लोकतंत्री सरकार पाई जाती है? अज के टाइम के गल करिए दुनिया विच लगभग किन्ने देश ने जी जिथे लोकतंत्री सरकार पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 50, डी ऑप्शन है 150। तो राइट आंसर की होगा जी? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 100 देशों में, लगभग 100 देशों में लोकतंत्री सरकार पाई जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है, कौन सरकार में चोणा नियमित रूप नाल हुंदियां हन? कौन सरकार हुंदी है जी जिथे जिहड़ी चोणा ने जी वह नियमित रूप नाल हुंदियां ने? तो ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक शासन, डी ऑप्शन है गैर लोकतंत्रिक। तो कौन सरकार है जी जिथे चोणा नियमित रूप नाल हुंदियां ने? तो राइट आंसर है जी ए ऑप्शन, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। ठीक है जी, लोकतंत्र विच जिहड़ी है चोणा जिहड़ियां ने वह नियमित रूप नाल हुंदियां ने। नैक्सट क्वेश्चन है, लोकतंत्री सरकार विच फैसले किस दे द्वारा लए जाते हैं? तो लोकतंत्री सरकार की गल करिए तो फैसले उस दे विच फैसले जिहड़े ने जी किस द्वारा लए जाते हैं? ए ऑप्शन है विशेष व्यक्ति द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है समूहिक सम्मति नाल, डी ऑप्शन है राजनीति पार्टी द्वारा। तो लोकतंत्री सरकार फैसले किस द्वारा ले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सामूहिक सम्मति नाल, सब की रजामंदी नाल। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचों लोकतंत्र की है? तो इन्हां विचों जो लोकतंत्र है जी की है इन्हां विचों? तो ए ऑप्शन है एक नैतिक दल है, बी ऑप्शन है एक राजनीतिक दल है, सी ऑप्शन है एक समाजिक मुल है, डी ऑप्शन इन विचों कोई नहीं। तो लोकतंत्र की है जी? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, एक समाजिक मुल। ठीक है जी, लोकतंत्र एक समाजिक मुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किहड़े देश विच लोकतंत्र की स्थापना हाले तक नहीं हो सकी है? तो इन्हां विचों किहड़ा देश है जी जिस विच लोकतंत्र की स्थापना हाले तक नहीं हुई है? ए ऑप्शन है अमरीका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है म्यांमार, डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। किहड़ा देश है जी? तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, म्यांमार। म्यांमार देश विच हाले तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। नैक्सट क्वेश्चन है, वर्तमान समय विच कौन शासन व्यवस्था नूं सब तो ज़्यादा लोकप्रिय मनिया जाता है? तो वर्तमान समय की गल करिए तो कौन शासन व्यवस्था है जिसनों सब तो ज़्यादा पसंद किया जाता है, लोकप्रिय मनिया जाता है? तो ए ऑप्शन है सैनिक तंत्र, बी ऑप्शन है लोकतंत्र,
सी ऑप्शन है राजतंत्र, डी ऑप्शन है इन्हां विच्चों कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जी लोकतंत्र। वर्तमान समय विच लोकतंत्र नूं जिहड़ा है जी सब तो ज़्यादा पसंद किया जाता है, लोकप्रिय मनिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है निम्नलिखित विच्चों केड़ा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियां दे राह विच रुकावट है। इन्हां विच्चों केड़ा कारक है जी जिहड़ा कि लोकतंत्र सरकार की उपलब्धियां दे राह विच रुकावट बनता है। ए ऑप्शन है चोण आयोग, बी ऑप्शन है संविधान, सी ऑप्शन है आर्थिक समानता, डी ऑप्शन इन्हां विच्चों कोई नहीं। तो इन्हां विच्चों केड़ा कारक है जी जिहड़ा लोकतंत्र की उपलब्धियां विच रुकावट बनता है। इसका राइट आंसर होगा जी आर्थिक असमानता। इतने समानता नहीं है जी, इतने असमानता है। ठीक है जी, आर्थिक असमानता। ठीक है जी, आर्थिक असमानता लिखना सी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, असमानता। ठीक है जी, इत्थे समानता जगह ते असमानता आना है। तो जिहड़ी आर्थिक असमानता है जी वह एक कारक है जिहड़ा कि लोकतंत्र की उपलब्धियां दे राह विच रुकावट बनता है। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो यह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एस एस टी के जो कि पी एच टेट के एग्जाम लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, तुसीं इन्हां जरूर कर लियो क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ने जी। ठीक है जी, तो इस वीडियो में लाइक तो शेयर जरूर कर दियो, तो जुड़े रहो साडे नाल, असी कुछ और वीडियोज़ लेके आवांगे। ठीक है जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाल। उद तक लई थैंक यू।